हो गया पापा। वापस मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम दोबारा दुबई जा रहे हो, पता नहीं कितने अरसे बाद आओगे वापस। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह एक हफ्ते में आ जाऊंगा। आप बस अपना और मम्मी का ख्याल रखिएगा बहुत। जरा हल्का हाथ रखना, एक हफ्ते में 3 साल की सेविंग उड़ा के ना आ जाना। अरे मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, अपनी तरह समझ रख रहे हैं। बस जाओ, खैर से अपना ख्याल रखना इंशाल्लाह। ठीक है, आप भी। ओके पापा, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। अरे आज नमाज इशा से जल्दी फारिग हो गए। जी, रोज तो नमाज के बाद सामिया की शादी के लिए वजीफा करने बैठ जाती थी ना। वैसे अभी एक बेटी बाकी है। सोचा तो ये था कि लुबना के रिश्ते वाले सामिया की मौजूदगी में ही आ जाते, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर, सामिया खैर से अपने घर की हो गई। कोई बात नहीं, तबस्सुम और अकबर की मौजूदगी में बुला लेंगे हम उनको। ठीक है, बात अगर आगे बढ़ती है तो सामिया और अरसलान को बुला के उनसे भी मुलाकात करवा देंगे। लेकिन अभी तो एक शादी से हम निपटे हैं, मेरे ख्याल में 6-8 माह रुक जाओ। हयात साहब, आपकी छोटी बेटी अब छोटी नहीं रही, माशाल्लाह 28 साल की होने वाली है। पढ़ाई मुकम्मल कर ली, नौकरी कर ली, अब शादी हो जाए, अपने घर चली जाए वो भी। एक बात तुमसे करनी चाह रहा था। जी, मैं तबस्सुम की वजह से थोड़ा फिक्रमंद हूं। हर वक्त परेशान परेशान सी रहती है और अकबर ने आना जाना बहुत कम कर दिया है। तबस्सुम से पूछो तो यही कहती है कि सब कुछ ठीक है। जी, मैंने भी महसूस किया है। इस बार आएगी ना तो बात करूंगी मैं उससे। वैसे ये सामिया ने पहुंचकर फोन नहीं किया। कर लेगी, कर लेगी।